सुरेंद्र राजपूत जी, इसी मौके पर वो आपको एक पाठ पढ़ा रहे हैं, वो ये कि सुरक्षा बल जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर वीआईपीज वीवीआईपीज की सुरक्षा करते हैं, उनको लेकर बड़े नेताओं ने आपके संवेदनहीन बयान दिए हैं। कोई सड़क छाप कहता है, कोई प्रमाण मांगता है, और ये जम्मू कश्मीर में ही हुआ है। तीन चार चीजें अंजना जी बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो सेना को लेकर के हमने कभी कुछ नहीं कहा, अगर किसी नेता ने व्यक्तिगत रूप से कहा हो तो उसकी हमने मजम्मत की, एक बात। दूसरी बात, हमसे ज्यादा क्या नाम सेना को कौन जानता है। भारतीय जनता पार्टी निर्लज्ज रूप से सेना के पीछे छुपती है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही आपको याद होगा कि जिस मेजर साहब का कोर्ट मार्शल आपने कराया था नरेंद्र मोदी जी, आपको अभी भी याद होगा किसी आतंकवादी को मारने के लिए मेजर का आपने कैसे कोर्ट मार्शल कराया था, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और जो सेना अपना काम करती है, सेना को फ्री हैंड है और सुरक्षा का भी फ्री हैंड है। हमसे ज्यादा सुरक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं? दो दो लोग गए हैं हमारे यहां से, शहादत हुई है, और क्या नाम जो छत्तीसगढ़ में 45 लोगों की शहादत हुई थी, आपके यहां से कोई उंगली भी कटा करके शहीद हुआ है क्या? बात करते हैं आप लोग सुरक्षा की, ये बचकानी बातें बंद कीजिए। रही बात पाकिस्तान के आतंकवादियों की, तो किसके कितने रिश्ते कहां पर हैं, ये जब बात खुलेगी बिरयानी खाने से और पठानकोट में आईएसआई को लाने से, तब बात बहुत दूर तक जाएगी। हमें तो अमित शाह की भी सुरक्षा की चिंता है। क्यों वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला जिसको मारे जाने पर आपने 2 लाख का इनाम दिया? क्यों बुरहान वानी के घर पे मंगत सिंह 40 लाख रुपए लेकर के गए कि क्या नाम हमने गलती से मार दिया? आप क्यों जम्मू कश्मीर पर इस तरीके की तुच्छ राजनीति कर रहे हैं? क्यों आप इस बात को बार बार कहना चाहते हैं कि एक धर्म विशेष के ऊपर आप लेकर के आना चाहते हैं? आतंकी और जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं उनके बारे में राजनीति मत कीजिए, और बेवजह की निर्लज्ज बातें मत कीजिए। मैं आपको बता देता हूं, सुरक्षा को लेकर के इस तरीके की बात करना। और रही बात जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने स्वयं बयान दिया है कि वहां पर बहुत भीड़ ज्यादा थी, और राहुल गांधी जी ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मुझे न जाने की सलाह दी गई। तो आप अपनी सुरक्षा एजेंसियों से पूछिए ना, पूछिए आप उन एनएसजी कमांडोज के जो ऑफिसर्स हैं, आप हमसे सवाल जवाब करने की जगह अगर आप उनसे सवाल जवाब करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके की बातें करना बंद कीजिए। राहुल गांधी की सुरक्षा करना भारत सरकार की यानी नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेवारी है। अगर आप इससे पीछे हटना चाहते हैं तो ये आपको हम करने नहीं देंगे। बात इस चीज को बहुत समझ लीजिए। जब पंजाब में रोका गया था नरेंद्र मोदी जी को, तब किसने रोका था? डीजीपी पंजाब ने रोका था, पंजाब पुलिस ने रोका था। अगर हम क्या नाम विक्रम सिंह जी बता पाए तो डीजीपी पंजाब ने कहा था पूरी सुरक्षा है, सुन लीजिए, और पंजाब पुलिस ने कहा था पूरी सुरक्षा है, उनके एनएसजी कमांडो ने रोका था। ठीक, पुल पे टाइम खत्म हो रहा है, मुझे एक ही कमेंट समीर भट्ट और इरफान हाफिज लोन साहब से लेने दीजिए। समीर भट्ट साहब, इरफान हाफिज लोन साहब जी, अंजना जी, जम्मू कश्मीर पुलिस तो कह रही है कि तमाम सुरक्षा की तैनाती थी वहां। चीफ सेक्रेटरी को हमने सुना, वो कह रहे हैं 10 पुलिस के टुकड़े और 15 सीआरपीएफ के। तो ऐसे में क्या ये प्रश्न, भीड़ अचानक आई उसको सुरक्षा में चूक बता देना और केंद्र सरकार ने ऐसा कराया, ये कहना ठीक है? देखिए अंजना जी, जैसे प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से विपक्ष के जो लोग हैं उनकी भी सिक्योरिटी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस इंदिरा जी का या राजीव गांधी जी की हत्या हुई, और जब हम देखते हैं उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री जी का पंजाब में रोके गए, कुछ किसानों का कहा गया था कि भाई उन्हें धरना दिया है, तब सब लोगों ने बवाल मचाया था। भाई होना चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न वहां पर भी एक्सप्रेस करना चाहिए था। लेकिन सुधांशु जी आज कह रहे हैं कि अगर आज की घटना पे चूक पे कोई बात करता, ये कहते हैं कि चाइल्डिश है, इनको ये वर्ड रिविड्रॉ करना चाहिए। मैटर ऑफ कंसर्न है, ये सीरियस कंसर्न है, किसी की लाइफ इन्वॉल्व है। मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहता हूँ, जवाब दे दीजिए सुधांशु जी, वक्त हमें इतने थोड़ा सा टाइम कम है सर, जवाब आपने इम्पोर्टेंट इश्यू उठाया, अब जवाब सुने सुधांशु जी। देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, नियमों का ईमानदारी से पालन जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। अगर वो ये कह रहे हैं तो ये बताना चाहिए उनको, चलिए पब्लिकली ना बताएं, वो सिक्योरिटी एजेंसी को बताएं कि किस सुरक्षा पर कर्मी ने किस आधार पे कहा था कि उनको आगे नहीं जाना चाहिए, अन्यथा यह बयान पब्लिक में आके नहीं देना चाहिए, उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, क्योंकि यह उनकी ड्यूटी के कोड ऑफ कंडक्ट में हो ही नहीं सकता है।
इसलिए हम यह बात कह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर व्यक्तिगत सुरक्षा तक पे कांग्रेस राजनीति करने पे आमादा है, यह अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।